हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश करी। मैंने ले ली है रोहू मछली आधा किलो, उसमें डाल दी मैंने अच्छे से धो लिया है। फिर उसमें डाल दी हल्दी, फिर नमक, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर मैंने ले ली थोड़ी सी सरसों, प्याज, दो लहसुन, छोटी सी अदरक, फिर दो हरी मिर्च, फिर खड़ा मसाला मेरी इलायची, दो इलायची, दो तीन कली मतलब कि दो तीन लौंग, फिर दो तीन काली मिर्च। फिर मैंने लहसुन प्याज को छील के इसको पीसने के लिए डाल दी। इसमें सरसों डाल दी हूँ, अदरक, लहसुन प्याज मैंने इसको पीस लेना है। खड़े मसाला को भी डाल लेंगे इसी में। फिर इसको अच्छे से पीस लेंगे। फिर मैंने दो टमाटर भी ले लिए, इसको भी अलग से पीस लेंगे। फिर मैंने गैस में तेल रख दिया, उसमें तेल गर्म हो गया है। अब इसमें फिश को डाल देते हैं, मछली को डाल देते हैं और अच्छे से इसको मतलब इस जगह जितना है उतना पूरा मछली को डाल देते हैं। आ जाएगा पूरा मछली तो पूरा को डालेंगे। डालने के बाद गैस की आंच को मीडियम हाई रख देंगे। उसके बाद इसको 10 से 8 मिनट तक मतलब कि एक साइड से सिकने देंगे। फिर ये 10 मिनट हो गया है, अब इसको पलट देते हैं अच्छे से। मतलब कि एक साइड से अच्छे से सिक गया है तो इसको पलट देते हैं। पूरा पलटने के बाद इसको फिर दूसरे साइड से 10 से 8 मिनट सिकने देते हैं। 8 मिनट हो गया, ये दोनों साइड से सिक गया। अब मछली को निकाल देते हैं। फ्राई अच्छे से हो गया, पूरी मछली को निकाल देते हैं एक एक करके। ऑयल मतलब कि उसे कढ़ाई में निकालने के बाद ही निकालेंगे। निकालने के बाद इसमें जो लहसुन अदरक और प्याज का जो पेस्ट बनाया था ना दोस्तों, उसे को डाल देते हैं। फिर इसको दो मिनट मतलब कि हाई फ्लेम पे भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनने के बाद तो पानी जो है ना लहसुन प्याज का वो कम हो जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, फिर ये थोड़ी सी सब्जी मसाला ऐड कर देंगे। फिर इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मतलब कि मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। चम्मच को चलाते रहेंगे मतलब कि मसाला सारी तरफ मतलब मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद अच्छे से ही भूनेंगे। मतलब मसाला जितना भून जाए ना दोस्तों तब उतना ही स्वाद आता है। मसाला भून चुका है, अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं, जो टमाटर दो पीसे हुए थे। उसको ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर भूनते हैं। फिर को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे। फिर साथ में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने मछली में भी नमक ऐड किया हुआ है फ्राई करते वक्त। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर चलाएंगे इसको। नमक डालने के बाद नमक और मसाला और टमाटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद इसको कवर कर देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मसाला भुन चुका है, इसको अच्छे से मतलब चारों ओर से निकाल लेते हैं, कढ़ाई में कहीं मतलब कि साइड में लगे ना। इसको अच्छे से निकालने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं 2 मिनट। और भूनने के बाद इसको फिर कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद फिर 5 से 10 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे दोस्तों। फिर चेक कर लेते हैं मसाला भून चुका है और 2 से 3 मिनट भून लेंगे। मसाला अच्छी कलर चेंज हो गया है मसाला का, मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है तो ये मसाला चेंज हो चुका है, कलर चेंज हो गया है। इसमें पानी डाल देते हैं साथ में। पानी मतलब कि आपको जितना गाढ़ा रखना है या पतला रखना है उसी हिसाब से पानी डालेंगे। जितना हिसाब आप नमक डालें उतना ही मतलब के हिसाब से पानी डालेंगे। जितना रसा रखना है आपको या गाढ़ा रखना है या पतला रखना है उसी हिसाब से पानी डालेंगे। फिर इसको कवर कर देते हैं। कवर करके इसको 10 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबलने देते हैं। ये इसमें उबाल आ चुका है तो इसमें हम अब मछली को ऐड कर देते हैं, जो फ्राई किया करके रखे हैं ना दोस्तों वो मछली को डाल देते हैं। एक एक करके पूरा मछली को इसमें ऐड कर देते हैं। पूरा मछली ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं ताकि मछली पूरा डूब जाए रसा में। उसके बाद इसमें कवर ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक मतलब पकने देते, 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट हो चुका है दोस्तों, ये मतलब कि इसका कलर चेंज हो गया है। और अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं। मछली की सब्जी बन के तैयार हो गई दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये मेरे पापा की रेसिपी है, इसमें सरसों ऐड किया हुआ है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों ये मछली में, और सरसों तेल से ही बनाया गया है। पर आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी रहती है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। आपको क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप